लगे हैं इंडिया की शान, इंडिया गेट। ये देखो रात को आए थे तो रात को एक्चुअली पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही थी, अभी जाएंगे हम वहाँ पे। यहाँ पे सिस्टम है पैडल, जो गाड़ी रुकती है बाद में अपने को जाना होता है। यहाँ पे देखिए पुलिस यहाँ पे खाना नहीं ले जाते देती है, बाकी आपका सामान ले जा सकते हैं, कोई टिकट नहीं है। इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, वो यहाँ से उस तरफ नजर आता है सामने, पर दूर है। यहाँ पे इंडिया गेट, बहुत बड़ा गार्डन है, पूरा गार्डन है। यहाँ पे लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया गेट के बहुत करीब आते जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे लोगों की भीड़ देखिए, इंडिया गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं तो ये देखिए। पे इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हैं, मैंने जैसा पहले बताया था, ये जो दीवार पूरी पूरी है, पूरी रेजिमेंट या पूरे जितने भी देश के सैनिक शहीद हुए थे उन सब का यहाँ पे, बहुत बड़ी इमारत है। हाँ सर, नाम लिखा है ना इस पे जी, जितने लोग इसमें शामिल शहीद हुए जो विश्व युद्ध में, हाँ वही है ना, वर्ल्ड वॉर में जी। अच्छा, बहुत है, बहुत बड़ा है ना। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड। झारखंड इस साइड से आ गया हूँ राष्ट्रपति भवन के ऑपोजिट साइड में। जैसे 15 अगस्त को या 26 जनवरी को परेड होती है तो उस तरफ से व्हीकल आते हैं, सेना के विमान या जो भी आर्टिलरी के व्हीकल आते हैं वो सब इधर होके यूं होके चले जाते हैं। वहाँ पे सूरज है उसके पीछे और ये है बहुत ही जबरदस्त इंडिया गेट। सो यहाँ पे इसे देख करके गाना याद आता है, ये दादी शूटर है क्या? तो इंडिया गेट पे मुझे मिल गई थी शूटर दादी। शूटर दादी के मतलब हरियाणा की दादी होती है वो, शूटर दादी एक आपने सुना होगा, तो उम्र लायक है लेकिन शूटिंग में बहुत ही ज्यादा मास्टर है। तो शूटर दादी के जाते यानी कि जाट के, जाट ही थे उधर के, तो उनके साथ फोटो खिंचाए इंडिया गेट पे, बहुत मजा आया। दादी एक बार तो ना बोली फोटो नहीं खिंचाना है, लेकिन बाद में समझाया तो दादी को समझ में आ गया और दादी ने इंडिया गेट के सामने फोटो खिंचाया। और इधर ये एक और स्मारक बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त गार्डन, बहुत बड़ा विशाल का है गार्डन, है इतना बड़ा गार्डन। इधर सामने मुझे लगता है फिरोज शाह कोटला मैदान भी है, वो वहाँ पे जो लाइट दिख रही है उसका नाम बदल लिया गया अभी। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से करेंगे टाइम लैप्स से शूट, वो आप देखिए कि किस तरह से टाइम लैप्स से बनता है, क्या मस्त बर लगता है। यहाँ पे देखिए दिल्ली आए और यहाँ पे नहीं
नहीं घूमे अगर तो आपका दिल्ली घूमना अधूरा है। इंडिया गेट सबसे पहले आना चाहिए और इंडिया गेट के आसपास का गार्डन है उसको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, बस फोटो ही फोटो और कुछ नहीं। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ आसपास पूरा बहुत पहले का जो ओल्ड इज गोल्ड है वो है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, लाल किला है, जनपथ रोड है, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी यहाँ पे कार्यालय, तो सबको यहीं पे है और बहुत ही अद्भुत यहाँ पे नजर आपको देखने को मिलता है। ये आगे आया परम योद्धा स्थल यहाँ पे है, मतलब ये योद्धाओं के लिए बना हुआ एक स्थल है क्योंकि जितने भी देश के लिए शहीद हुए नौजवान फौजी उन सबके लिए ये बनाया गया एक यादगार है और जिसको उर्दू में कहे तो इस यादगार होदा, ठीक है ना। तो अभी आगे चलते हैं, उधर क्या है देखने को वो आपको दिखाते हैं। और राष्ट्रपति भवन ठीक इधर है, बहुत आगे है, यहाँ से 2-1 किलोमीटर होगा। पर बड़ी लाइन लगी हुई है क्या वहाँ? वहाँ पे कुछ लाइन लगी हुई है, पता नहीं, ये मेमोरियल है, नेशनल वॉर मेमोरियल, वहाँ पे अगर जाने देते हैं तो वहाँ पे जल्दी से जाते हैं और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, लेट्स गो, ट्राई करते हैं। यहाँ पे जितनी भी सड़क आती है सब बंद करके रखी है, इसको सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तब इसको खोलते हैं और यहाँ से वो सेना के मिलिट्री टैंक वगैरह जो परेड होती है वो यहाँ से ऐसा जाती है धम। तो हमारे देश पे गर्व है और यहाँ पे आके थोड़ा प्राउड फील होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो इस तरह से ऐतिहासिक है और हेरिटेज है, ठीक है। तो इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो इंडिया गेट के बारे में एक थोड़ा सा जानकारी और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये एक मैप है जो इंडिया गेट है, जाकिर हुसैन मार्ग है, साउथ कॉम्प्लेक्स, नॉर्थ कॉम्प्लेक्स, तिलक मार्ग, ये सब इसका मैप दिया गया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे BSD290 और मेरी वेबसाइट है bansibishnoi.com। थैंक यू।